नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ लगातार छात्रों के कमेंट भी आ रहे थे कि सर जो पीटीटी है, पीटीटी के लिए एक तरीके से जो कट ऑफ रहेगी 2024 में, वो कट ऑफ क्या रह सकती है। साथ ही मैं आपको ये भी क्लियर करूंगा कि इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है पीटीटी का, उसके लिए कट ऑफ है वो कितनी क्या कुछ रहेगी, और इस बार जो आपका एग्जाम हुआ है इसमें कितने परसेंट जो स्टूडेंट है वो एक तरीके से एग्जाम के लिए बैठे हैं, कितने फॉर्म आपके लगे थे, लास्ट ईयर के कंपेयर में कट ऑफ आपकी ज्यादा रहेगी या कम रहेगी, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी छात्रों के साथ शेयर की जाएगी। सबसे पहले तो आप सभी छात्र, जैसा कि ये ई पेपर है स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि कड़ी निगरानी में हुई पीटीटी 2024, मैं डायरेक्ट यहाँ पर बात करूंगा, 89% स्टूडेंट है वो एक तरीके से उपस्थित है, ठीक है, उन्होंने एग्जाम दिया है। यहाँ पर आसान रहा है पेपर, कट ऑफ ज्यादा रहने की उम्मीद यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर के अंदाजे में यहाँ पर जो एक तरीके से आपके फॉर्म भरे गए हैं वो 20% यहाँ पर कम भरे गए हैं, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। यहाँ से आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद में आपको उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, इस बार एक मतलब कि 1055 केंद्रों पर कुल 3,79,093 अभ्यर्थियों ने एक तरीके से परीक्षा है वो दी है। उसी के बाद में यहाँ पर परीक्षा देने वालों का प्रतिशत है वो 89% है। साथ में दो वर्षीय जो स्टूडेंट है उनके लिए जो कॉलेज है, कॉलेज भी मैं आपको क्लियर करूंगा कि कितनी कॉलेज आपके लिए रहने वाली है, साथ में टू ईयर के लिए कितनी रहेगी, फोर ईयर के लिए कितनी रहेगी, और साथ में टोटल कॉलेज कितनी रहेगी। उससे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो कि जैसे कि 3,79,093 स्टूडेंट ने एक तरीके से मतलब कि एग्जाम है वो दिया है। यहाँ पर मैं आपको क्लियर करूं कि कितने टोटल फॉर्म आपके लगे थे, वो आपके लगे थे 4,28,000, ठीक है, 4,28,000 आपके फॉर्म लगे थे जिनमें 3,79,000 स्टूडेंट्स ने एक तरीके से एग्जाम दिया है। उसके बाद में दो वर्षीय मतलब कि बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए 2,43,730 अभ्यर्थी शामिल थे, जबकि चार वर्षीय बीएड कोर्स के लिए 1,35,363 स्टूडेंट है यहाँ पर शामिल थे। उसी के बाद में यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर ये नॉर्मल डिटेल दी गई है जिससे हमें कोई काम नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो इस बार कट ऑफ कम रहने मतलब कि ज्यादा रहने का कारण क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको आपके लिए दिया गया है कि इस बार 20% तक आवेदन कम आए हैं, आए थे, पेपर चार खंडों में विभाजित था, 150% थे खंड ए मानसिक योग्यता में, रीजनिंग में सैद्धांतिक प्रश्नों की अपेक्षा तार्किक प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी, जो कि आपको वाली बात से पता है। अब इस बार जो आपकी कट ऑफ है, देखो कट ऑफ का यहाँ पर क्लियर कर रखा है कि 380 से 490 तक आपकी हो सकती है। अब देखो ये डिफरेंस है, मतलब की जो बीच का डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, यानी फर्स्ट लिस्ट के लिए यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है कि 380 से 490 तक की आपकी कट ऑफ हो सकती है। ये ओनली जो शहरी क्षेत्रों में जो एक तरह से कॉलेज है उनकी बात की जा रही है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज है उनकी 300 से 380 के बीच में आपकी कट ऑफ है वो रह सकती है, ठीक है। उसी के बाद में यहाँ पर मानसिक योग्यता के प्रश्नों में विद्यार्थियों को उलझाए रखा, मानसिक योग्यता के तहत कथन और धारणाएं, कोडिंग, ग्राफ, कैलेंडर, सीरीज, ब्लड रिलेशन आदि से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो पेपर है वो जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाओगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट ई पेपर में देख सकते हो। अब जो ये कट ऑफ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ ये 2023 की, ठीक है, एक तरीके से 2023 की कट ऑफ है जो कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर क्लियरली देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें जैसे जनरल कैटेगरी के लिए आपकी जो कट ऑफ रही थी, यानी कि फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में, वो 349 रही थी मेल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, फीमेल के लिए 328 रही थी, ओबीसी के लिए 338, फीमेल के लिए 319, एससी मेल के लिए 314 और फीमेल के लिए 299। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कट ऑफ आपकी ज्यादा रहेगी। अब जैसे मैं यहाँ पर इससे एक तरह से कट ऑफ के आधार पर क्लियर भी करूंगा कि इस बार आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, एसटी के लिए 301 और एसटी फीमेल के लिए 293, एमबीसी 314 मेल के लिए और 309 आपकी फीमेल के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हो ये जो आपकी कट ऑफ है ये आपकी एक तरीके से मतलब कि जो पीटीटी फोर ईयर के स्टूडेंट है उन सभी के लिए है, वो जो पहले कट ऑफ थी वो पीटीटी टू ईयर के लिए थी। आपको भी पता है कि जैसे आपकी कॉलेज है, कॉलेजों की संख्या मैं आपको क्लियर करूं तो आपकी टोटल 1420 कितनी कॉलेज है, 1420 आपकी कॉलेज है और उनमें टू ईयर की कॉलेज 980 कॉलेज है। काफी छात्रों के यहाँ पर कमेंट भी आएंगे कि सर जो कॉलेज लिस्ट है वो कब तक जारी हो जाएगी। अब देखो फिलहाल आप सभी छात्रों को लगातार साइट पर विजिट करते रहना है। अब आप सभी छात्रों को एक तरीके
से रिजल्ट का इंतजार करना है। रिजल्ट में आपका तकरीबन एक महीना लग जाएगा या 20 दिन लग जाएंगे, उससे पहले आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है, यानी कि जुलाई में आपका रिजल्ट है वो आएगा। रिजल्ट आते ही आपके लिए कॉलेज लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कॉलेज है और कितनी मतलब कॉलेजों में एक तरीके से कितनी सीटें हैं वो खाली है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स है वो एक तरीके से कंफर्म रखना। अब जनरल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो मेल मतलब कि मेल कैटेगरी में 400 से 450 के बीच में एक तरीके से कट ऑफ रही थी, और ये जो कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब यहाँ पर फीमेल के लिए बात करें तो 380 से 420 के बीच में रही थी, ओबीसी 390 से 430 प्लस रही थी, 370 से 390 प्लस फीमेल कैटेगरी के लिए रही थी, एससी में 350 से 370 रहा था, 330 से 360 यहाँ पर फीमेल कैटेगरी के लिए रही थी। अब यहाँ पर मैं आपको क्लियर भी करूंगा, देखो आपकी जो कट ऑफ है वो कुछ ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर रहा हूँ कि कुछ ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा कट ऑफ में। अब जैसे यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हो, जैसे आपकी 349 यहाँ पर एक तरीके से रही थी लास्ट ईयर, तो इस बार आपकी 370 के तकरीबन, जैसे 349 रही थी तो 370 या 360 के बीच में आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है, इससे ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, यानी कि लास्ट 15 या 20 नंबर का अंतर रहेगा, इससे ज्यादा मतलब की अंतर है वो एक तरीके से नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है इस बार जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो एक तरीके से कम है। जैसे बात करें यहाँ पर पेपर सरल आया है तो एक रीजन वो भी तो देखा जाएगा कि लास्ट ईयर स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा थी और इस बार स्टूडेंट्स की संख्या है वो 20% है वो कम थी, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ है आपकी कम देखी जाएगी। यहाँ पर एसटी के लिए देख सकते हो 340 से 360 के बीच में रही थी मेल कैटेगरी के लिए, फीमेल के लिए 320 से 350 के बीच में रही थी। अगर जैसे यहाँ पर बात करें कि अब कितनी कट ऑफ रह सकती है, अब 350 से 360 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी मेल कैटेगरी के लिए, अगर फीमेल के लिए बात करें तो 330 से लेकर 340 के बीच में कट ऑफ आपकी रहेगी, ठीक है, इतनी ज्यादा रहेगी, यानी कि आपको 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलना है, इतनी ज्यादा कट ऑफ आपकी रह सकती है, इससे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं जो यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है कि किस कैटेगरी में कितना परसेंट रिजर्वेशन रहता है, वैसे मैं आपको क्लियर कर दूं कॉलेजों का जो वेटेज रहता है 62-40 रहता है, यानी 60% जो कॉलेज रहती है वो 4 ईयर के लिए अलॉटेड रहती है, क्योंकि 4 ईयर की जो संख्या है वो एक तरीके से मतलब कि 2 ईयर की संख्या है वो ज्यादा रहती है और 4 ईयर कॉलेजों की संख्या कम रहती है, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं जो कुल प्रवेशित सीटें हैं वो 1,40,000, कितनी सीटें हैं 1,40,000 कुल प्रवेशित सीटें हैं यहाँ पर, जो आप सभी छात्रों को मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर वेटेज मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है, 40% रहता है यहाँ पर 2 ईयर के लिए और यहाँ पर 60% रहता है 4 ईयर के लिए, यानी कि 4 ईयर के लिए 980 कॉलेज है और 2 ईयर के लिए 440 कॉलेज है, जैसा कि मैंने गलत बोल दिया था। एससी कैटेगरी के लिए 16% रहेगा, एसटी के लिए 12% रहेगा, ओबीसी कैटेगरी के लिए 21% रहेगा, यानी कि इतने परसेंट कॉलेज यहाँ पर इस कैटेगरी में एक तरीके से आपको डिवाइड किया जाएगा, आपको एक तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। ये जितनी भी अपडेट थी जो कि मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर कर दी है, और यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूं 4,28,000 आपके टोटल फॉर्म लगे थे, जिनमें 3,79,000 स्टूडेंट ने एक तरीके से परीक्षा में बैठा है, और परीक्षा में बैठने के साथ में ही 89% यहाँ पर एक तरीके से अटेंडेंस है वो आपकी रही है। और अब अगर आप मतलब कि आप में से किसी भी छात्र के मन में कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।